कार्यकर्ता 48 पार्टी है और किसी भी चुनाव में हम उतरते हैं तो हमारा चुनाव निशान हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। कमल का फूल हर चुनाव में आप पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं, हर चुनाव में जनता कमल के फूल जहाँ पे सिंबल होता है कमल के फूल पर अपना विश्वास जताती है। चुनाव में हम उतर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कमल के फूल के यानी भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जनता अपना मत देगी, अपना विश्वास जताएगी और भारतीय जनता पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव में केवल बख्शी का तालाब नगर पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बीकेटी बहुत बड़ी नगर पालिका है अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, नगर पंचायत तो ये जो है अभी देश में शायद या प्रदेश में अभी मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन 11वां स्थान इसको मिला है स्वच्छता को लेकर के। तो आपकी सरकार की योजना भी है, इस पर काम भी कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है, आप कितने सेटिस्फाइंग हैं? देखिए, जहां तक बात है स्वच्छता की, तो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी और प्रधानमंत्री जी लगातार उस चीज पर फोकस करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, सरकारी अमला, सबको यह संगठन के तरफ से कार्यकर्ताओं को और सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनको सख्त निर्देश कहिए या उनसे उनको इस विषय पर लगातार ब्रीफ किया जा रहा है कि इन जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो अंत्योदय, जैसे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के संकल्प के साथ काम करती है, समाज के अंतिम छोर में खड़े रहती है, तो हम आप देखते हैं कि स्वच्छता का मूल जो वो है वो अंत्योदय यानी जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको सफाइयां सफाई रहे उसके आसपास, उसको स्वच्छ वातावरण मिले, बीमारियों से बचा रहे, तभी उसके आने वाले बच्चे समाज में अग्रणी श्रेणी में आकर आने वाले समय में खड़े होंगे। और ये परिणाम हम आप देख रहे हैं कि पहले उच्च वर्ग के, उच्च आर्थिक वर्ग के ही लोग परीक्षाओं में या नौकरियों में रहते थे, अब गांव के आप अपने गांव या हमारे गांव में देखिए, गांव के लड़के सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए लड़के आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा के आधार पर वो सरकारी नौकरी अर्जित कर रहे हैं या समाज में उचित स्थान प्राप्त कर रहे हैं। सड़कों और नालियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अभी भी सड़कों की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, अगर मेन रोड से लेकर के चंद्रिका देवी की बात करें तो भी जो है बहुत अच्छी नहीं है, काफी जगहों पर जर्जर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। ये विषय लगातार हम लोगों की जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें भी उठा है, जो कि आपको जानकारी है कि हमारे आसपास किसान पथ का निर्माण हो रहा है, किसान पथ के निर्माण में मिट्टी की ढुलाई और सामान जो भी उसका कच्चा माल लग रहा है उसकी ढुलाई में बड़े वाहनों के आने की वजह से जो लिंक मार्ग है गर्मी बढ़ेगी, शमशान का काम कुछ पता चले थे, काम हो रहे हैं। अब कोविड ऐसी एक महामारी रही कि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, कोई तैयार नहीं था इसके लिए, अचानक से समस्याएं आई। अब हमारे घर में अगर एक कमरे में दो लोगों के रहने की व्यवस्था और उसमें अगर 5 लोग रख दिए जाएंगे तो असुविधा होगी, वही चीज है। सरकार लगातार इन चीजों पर ध्यान दे रही है, स्थानीय प्रशासन और माननीय विधायक जी लगातार इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और माननीय विधायक जी लगातार उपलब्ध है जनता के बीच में, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, उन संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उनको निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब की बार के चुनाव में गौरव जी चेयरमैनी के लिए रेडी हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूं और मेरे मंडल में बख्शी का तालाब नगर पंचायत के अलावा भी बहुत सा क्षेत्र आता है, तो जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी जो कह देगी, जो आदेश मांग, मांग तो रहे ना, आप टिकट मांग रहे हैं, अगर आपको लड़ाई पार्टी जो कहेगी, जो आदेश पार्टी कर देगी, मांगने से इच्छा है चेयरमैन बनने की? मांगने से देखिए, राजनीति में उतरा है तो हर आदमी इच्छा के साथ आता है, महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर होती है, राजनीति में आया है तो महत्वाकांक्षा के लिए होगी। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मल्टीनेशनल कंपनी उसमें मुंबई में जॉब, उसके बाद मैं अगर वो छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए करने के लिए आया हूँ और लगातार मेरा प्रयास रहता है। आप मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, वो बताएंगे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता हूँ। गौरव जी की भावनाओं को तो हम काफी हद तक समझ चुके हैं, ये बताइए कि फाइनल हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आप चेयरमैन बन जाएं तो आप इस आप अपने नगर पालिका में ऐसी कौन सी पहली चीज है जो आप उस समस्या का निदान करना चाहते हैं? प्रकाश जी, अगर बन जाए वाला विषय ही नहीं है, जो पार्टी आदेश करेगी, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो काम किसी भी पद पे होगा तब भी मैं करूंगा, कि अपने लोगों का, जनता की मदद करना, जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना और जो समस्याएं मूलभूत है उनको दूर करना। बाकी मेरे हिसाब से एक मुद्दा मेरे दिमाग में है कि जिस स्थान के नाम पर बख्शी का तालाब तहसील, बख्शी का तालाब नगर पंचायत, बख्शी का तालाब विधानसभा, मैं वहीं पर आना था, सब कुछ है जी। उस तालाब को शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी पहचान और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है कि उसको हम एक
पर्यटन स्थल के रूप में, स्थानीय रूप में विकसित कर सकते हैं। तो ये एक मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है। मैंने बहुत पहले जब मैं जॉब छोड़ के आया था तब मैं शुरू में ही समाज में, जब चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक है, मैं समाज में जब इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली कि जिस स्थान के नाम पर हमारी आपकी पहचान है उसकी अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो एक ऐसी चीज है जो शायद मेरे हिसाब से बेहतर होनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस पर, और ध्यान हम लोग प्रयास करेंगे कि उस पर ध्यान देंगे। ये बताइए कि हर घर तिरंगा सरकार का नारा है, 15 अगस्त भी बहुत करीब है, आजादी का अमृत।